वुमेन्स डे पर मुंबई महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजंता यादव के नेतृत्व में मुंबई स्थित श्री मानव सेवा संघ ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल वुमेन्स डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां साधारण महिलाओं को सम्मान चिन्ह देकर इस मंच पर सम्मानित किया गया। साथ ही 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं ने रैंप वॉक किया। महिलाओं को खुश रहने और खुल के जीने की अनुरोध भी कांग्रेस पार्टी के इस मंच से किया गया, जहां मौजूद रहे कांग्रेस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और सुष्मिता देव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। कार्यक्रम में मौजूद रहे सभी अतिथियों को डॉक्टर अजंता यादव ने फूल गुच्छ सॉल और सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाची त्यांच्या एकंदर लोकांच्या शिवसैनिकांची सध्या ही अयोध्येच्या श्रीरामावर आहे। आमच्या सुनील केदारची कदाचित अयोध्येच्या श्रीरामावर श्रद्धा असू शकते। आता मंदिर मज्जेचा वाद मिटलेला, तो वाढवणंही योग्य नाही। आपण ही दिशा पाहिली पाहिजे की शाहीन बागेमधल्या महिला एवढे दिवस बसलेल्या आहेत, गांधी मार्गाने चाललेल्या आहेत। आज देशामध्ये जर काय हवं असेल आणि जगामध्ये हवं असेल, हे संघर्ष सगळेजण मिटवायचे असतील, तर गांधीच्या मार्गाशिवाय दुसरा मार्ग नाही। आणि हा देश चालवायचा असेल तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची लिहिलेली घटना आहे, संविधान आहे, तिथं कायद्याचं राज्य प्रस्थापित झालं पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे। आणि आमच्या भूमिका आम्ही थांब आहोत, त्यांच्या भूमिकेवर ते थांब आहेत। श्रद्धे लग्नाच्या काही मुंबई महिला काँग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते मैं मेरी प्यारी बहनों को जो कोने कोने से आज यहाँ पे उपस्थित हुई उनका बहुत बहुत आभार मानती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आज का कार्यक्रम अगर सफल हुआ है तो उसके पीछे मेरी मुंबई महिला कांग्रेस की सभी जो मेरी कमेटी थी, ऑफिस बेयरर्स हैं, मेरे साथ बैठी हुई हैं सारी, मेरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी स्मिता चौधरी जी, मेरी मुंबई की सेक्रेटरी सुरेखा पाटिल जी, मेरी वाइस प्रेसिडेंट फरजाना बकाली जी, अनिशा जी, सुशीला जयसवाल जी, और जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी पूरी कमेटी है, ये सारे लोगों ने बहुत मेहनत की। हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आए मुंबई में कि अगर हमको महिला का सत्कार करना है तो वो उस महिला का सत्कार करना है जो एक साधारण घरेलू महिला है, उसका टैलेंट हमको लाना है बाहर और उसको ये प्लेटफॉर्म में सम्मानित करना है। ये हमारा उद्देश्य था, ये हमारी प्लानिंग थी और हम पूरी तरह उसमें सफल हुए। आज जो विनर्स यहाँ पे आए हैं उन्होंने हर जिले से कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया। रंगोली कंपटीशन में महिला सशक्तिकरण की विचारधारा को अपने रंगोली के द्वारा प्रदर्शन किया। उसी तरह आज की स्त्री और ऐसे टॉपिक्स के अपने एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने भाग लिया। मेन हमारा उद्देश्य था कि महिलाएं भाग लें, अपने दिल की धड़कन को खोलें और अपना टैलेंट बाहर लाएं। तो आज हमने आज दो प्रकल्प और ट्रेनिंग चालू की। एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो बहुत ज़रूरी है आज मुंबई में, और इस देश में जो सरकार है, निकम्मी सरकार, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, जिन्होंने महिलाओं का न सम्मान दिया न उनको सुरक्षा दिया, आज महिला कांग्रेस की तरफ से और मुंबई कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमने सेल्फ ट्रेनिंग के क्लासेस कैंप्स चालू कर दिए। और उसी तरह महिलाओं को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए हमने रोज़गार भी महिलाओं को देने की शुरुआत की है। इस माध्यम से वो सेल्स एग्जीक्यूटिव पदवी उनको मिलेगी और वो जाके अपना प्रोडक्ट बेचेंगी और अपना घर को मजबूत बनाएगी, आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत बनाएगी। तो महिला कांग्रेस हर उस महिलाओं के कठिन परिस्थिति में शामिल होना चाहती है जिसमें वो अपने आप को अकेले देख रही है। आज आपने देखा कि यहाँ पे जो फंक्शन था उसमें जो अवार्ड्स दिए गए उसमें एक कंसेप्ट लेकर हम आए थे, हमारी टीम कंसेप्ट लेके आई थी महिला कांग्रेस की, लाडकी लेक अभियान, जिसमें पेरेंट्स को और लड़की को दोनों को सम्मानित किया, क्योंकि पेरेंट्स ने अपने गरीबी सिचुएशन में भी अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। रोबोटिक इंजीनियर को हमने आज यहाँ पे अवार्ड दिया। उसी तरह एक मामूली रिक्शा वाली जो विधवा है, जिसके हस्बैंड गुजर गए लेकिन आज वो कांदिवली में रिक्शा चलाती है, अपना पेट पालती है और सम्मान से अपना काम करती है, तो ये महिलाओं का सम्मान है। आज
इस महिला दिवस के अवसर पर हम इस सभी को सम्मान कर सके हैं। और मुझे आपके माध्यम से ये कहना है कि आने वाले चुनाव में 2022 का जो चुनाव है, हम महिला कांग्रेस के यहाँ पे उपस्थित कार्यकर्ता हो, चाहे आने वाले पीढ़ी के नगर सेवक हो, हम चाहते हैं कि हमारी महिला कांग्रेस हर कोने कोने में हम उनको सशक्त बनाएं और आने वाले चुनाव में कांग्रेस का झंडा उठा के महापालिके में उस झंडे को, उस तिरंगे को जिताकर दिखाएं महापालिके में हमारी महिला कांग्रेस नगर सेविका बने।